दो वक्त की रोटी संकट की घड़ी में अगर किसी को मिल जाए तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है, कहते हैं ऊपर वाला उसको जरूर सुनता है। कुछ यही दुआ सिंधु समाज के लोग ले रहे हैं उन गरीब बेसहारा लोगों की, जिनके घर दो वक्त का खाना सेंट्रल पंचायत नागरिक मंच के माध्यम से स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के एक आह्वान पर पहुंचा रहा है। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर खाने के पैकेट लगातार बन रहे हैं और ज़रूरतमंदों तक उनको पहुंचाया जा रहा है। खाने के पैकेट बनवाने वाली पूरी टीम यहां पर मेरे ठीक पीछे इस समय मौजूद है। हम सबके पास चलेंगे, सबसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। संकट की घड़ी में, जब संकट रीवा में आता है तभी ये लोग दिखाई पड़ते हैं, ये मानना पड़ेगा। इस बात की तारीफ इस समय पूरा रीवा कर रहा है। ये बताइए यहां पर किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? यहां पर हम लोग, हमारे माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने एक संगठन बनाया हुआ है नागरिक मंच, हम लोग उसी बैनर के तले यह कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रमुख कैलाश कोटवानी जी हैं, जिसमें पूरा मार्गदर्शन कैलाश सिंह जी का मिल रहा है, हमारे सिंधी समाज के अध्यक्ष हैं, और पार्षद हमारे वेंकटेश भाई हैं, नीरज भाई हैं, सभी का सहयोग है। और हम लोग पिछले लंबे समय से प्रतिदिन पैकेट तैयार करके प्रशासन को सौंपते हैं, हम लोग वितरण का कार्य नहीं करते, बना के सौंप देते हैं और सेंट्रल किचन के माध्यम से हम लोग केवल पैकेट बनाते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम यहां पर प्रशासन करता है। अभी तक आप कितने पैकेट बनवा चुके हैं और कितने पैकेट यहां पर लोगों से वितरित करा चुके हैं? लगभग 5,000 पैकेट अभी तक बन चुके हैं और उसको प्रशासन द्वारा को वितरित करने के लिए दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय का, राजेंद्र शुक्ल जी का एक ही वो है कि कोई भी शहर का व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, रीवा ज़िले का व्यक्ति। उसी सिद्धांत पर, उनकी बात पर नागरिक मंच एवं सिंधु समाज द्वारा यह कार्य शुरू किया गया है, जो कि अनवरत जब तक आवश्यकता होगी प्रशासन चाहेगा ये जारी रहेगा। हम अपने माननीय मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा आदेशित कार्य कर रहे हैं और गरीबों के लिए पैकेट बनवा रहे हैं, और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा हम लोग पहुँचाते रहेंगे कलेक्टर माध्यम लगातार। हम लोग काम यहाँ पर करते रहेंगे, खाना पहुँचाते रहेंगे, खाने के पैकेट इसी तरीके से बनते रहेंगे। हमारे साथ पूर्व पार्षद यहाँ पर वेंकटेश जी भी मौजूद हैं, काफ़ी दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं। जी वेंकटेश जी, किस तरीके से आगामी रूपरेखा है आपकी? हम लोग माननीय श्री पूर्व मंत्री श्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश में सिंधु समाज को ये कार्य सौंपा गया है, उसमें हम सब लोग सहयोग कर रहे हैं। उसमें माननीय कैलाश जी हैं, शंकर भाई हैं, माननीय प्रहलाद सिंह जी हैं, राजेश जी हैं, हमारे पार्षद नीरज पटेल जी हैं, और कई समाज के लोग जो हैं, सब लोग सिंधु समाज का मेन इसमें योगदान है। मंत्री जी के निर्देश में जब तक ये महामारी का संकट चलता रहेगा, सब लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि इसको हम भोजन का की व्यवस्था पैकेट अनवरत जारी रखेंगे। खाने की कमी निश्चित रूप से नहीं आएगी। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स और भी हैं, मैं आपको बता दूँ, विधायक प्रतिनिधि, मंत्री जी के बिल्कुल प्रतिनिधि, उनकी निगरानी में ही ये सारा काम चल रहा है। जी राजेश जी, बताएं ये कितने पैकेट अभी तक आप लोग पूरे शहर में बंटवा चुके इसके अलावा? जावेद भाई, अभी तक ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके अंतर्गत 40,000 परिवारों को खाद्यान्न दिया जा चुका है, 10,000 परिवारों को और खाद्यान्न मंत्री जी के डायरेक्शन दिया चुका है। और आप जहां खड़े हैं, ये ऐसी जगह, पवित्र जगह है जहां 2016 में बाढ़ आई थी तो सिंधु समाज के लोगों द्वारा पूरे शहर में भोजन का वितरण करीब 15-20 हज़ार लोगों में किया गया था। अभी तक में कम से कम नहीं तो 3,500 से लेकर के 4,000 डेली पैकेट जा रहे हैं, और जहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नीचे डिमांड करते हैं वहीं ये खाद्यान्न जा रहा है, और ये तब तक जाएगा। मंत्री जी की इच्छा है कि हमारे शहर का कोई भी आदमी भूखा ना रहे। हम लोग बिल्कुल बड़े ही बेहतरीन तरीके से सामंजस्य बना करके काम कर रहे हैं, और आप लोगों का भी बहुत सराहनीय सहयोग। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे पास एक ऐसा नेता है, एक ऐसा नेता, निश्चित रूप से एक ऐसा नेता जो यहाँ पर गरीबों की ज़्यादा चिंता करता है। शायद यह उसी का परिणाम है, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, सारे लोगों से बातचीत की, उनकी बातचीत से यह निकल कर आया, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी के कुशल मार्गदर्शन में, उन्हीं के प्रेरणा से तमाम लोग, खास करते मैं सिंधी समाज का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, तमाम लोगों ने इस बात का जिक्र किया, जब भी रीवा में संकट आया वो लोग हमेशा आगे रहे, चाहे वो बाढ़ का मामला रहा हो, चाहे इस समय कोरोना का संकट। इस बात की न्यूज़ नेटवर्क टुडे तो तारीफ कर ही रहा है, और अपने
चैनल के माध्यम से ये बात पूरे शहर तक पहुंचा जा रहा, रीवा शहर में यह बात भी आम है, राजेंद्र शुक्ल का कुशल मार्गदर्शन, इसीलिए शायद रीवा में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं और अभी तक भूख से एक भी मरने की या भूख से जिसको खाना ना मिला हो इस तरीके की शिकायत निकलकर अभी तक बाहर नहीं आई है। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ न्यूज नेटवर्क टुडे के लिए। सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह बीमार होने के बावजूद गरीबों तक भोजन पहुंचाने के कार्य पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना था, जितना खाना लगेगा और जब तक लगेगा हम देंगे। हम मौजूद हैं इस समय रीवा के सिंधु भवन में, जहां पर कोरोना के चलते रीवा शहर के लोगों को खाना पहुंचाने का लगातार काम किया जा रहा है। मैं यहां पर आपको दिखाऊं, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये खाना बना के पैकेट यहां पर रख दिए गए हैं। अब ये पैकेट सेंट्रल किचन में भेजे जाएंगे, वहां से ये पहुंचेंगे उन लोगों तक जिनको वाकई इस समय खाने की दो वक्त भोजन की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सामान लद के सेंट्रल किचन की गाड़ी में जा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सेंट्रल सिंधु पंचायत के अध्यक्ष सरदार प्रहलाद सिंह जी। आप यह बताएं, ये सेवा भाव इस समय क्यों? नहीं, ये तो सेवा भाव तो ये तो हमारे समाज के खून में बसा हुआ है। आपको याद होगा 2016 में जब यहाँ बाढ़ आई थी, तब सिंधु समाज ने ही और नागरिक मंच रीवा ने सब लोग मिलके मतलब ये व्यवस्था की थी। उस टाइम 43,000 पैकेट यहीं सिंधु भवन में बने थे और जो भी बाढ़ पीड़ित थे हमारे रीवा शहर में पूरा यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और सिंधु समाज ने यहाँ पर मना के उसको दिया था और वो प्रशासन ने बंटवाया था। ये तो हमारे खून में है। ये क्या माना जाए, ये जो पैकेट यहाँ बन रहे हैं, ये कब तक रीवा में पैकेट आपके सिंधु पंचायत भवन में बनते रहेंगे? जब तक प्रशासन कहेगा और आदरणीय शुक्ला जी कहेंगे तो हम लोग ये बनाते रहेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जब तक कोरोना का असर है और जब तक किसी ज़रूरत है हम लोग अनवरत ये कार्य करते रहेंगे, तो लोग पीछे नहीं हटेंगे। खाने के अलावा भी और किसी तरीके की मदद पहुंचाने की भविष्य में आप लोग की प्लानिंग? नहीं, वो तो अलग से हो भी रहा है, वो सामान्य की भी है और जो पैकेट बनवाए थे उस टाइम वो कलेक्टर साहब को हम लोगों ने सौंपे थे, रेड क्रॉस सोसाइटी को दिए गए थे और उसमें भी जो मुझे जानकारी दी गई थी उस टाइम 151,000 के पैकेट सिंधु समाज ने बनवा के और रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया था, पर वहीं से वो बटे थे। उसमें क्या बोलते हैं कि 15 किलो आटा था और करीब 10 किलो चावल था और 3 किलो दाल थी और 1 किलो सरसों का तेल था, नमक था, इस टाइप के पूरे पैकेट बन के बड़े बड़े, जिससे कि उस टाइम ये था कि 21 तक लॉकडाउन है तो वो उनको ये भोजन की व्यवस्था उनके लिए पूरी रहे, वो अपना घर में बना के खाते रहे। इसको कहते हैं सेवा का जज्बा। पहले वो खाना दिलवाया गया जिससे घर में वह गरीब दो वक्त की रोटी बना सके। पैकेट बनाए गए, कच्चे खाने के पैकेट बनाए गए, गरीबों तक पहुंचाए गए सरकार की सहयोग से, रेड क्रॉस के सहयोग से। उसके बाद जब यह महसूस हुआ इसके अलावा लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो यह पहल की गई जिसको अभी आप थोड़ी देर पहले अपने टीवी स्क्रीन पर देखा था, खाना बना के उन गरीबों तक भोजन पहुँचाने की व्यवस्था की गई। और यह काम तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना का असर रीवा में दिखाई देगा। अगर इस तरीके की मानवता का परिचय अन्य समाज के लोग भी दें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रीवा एक पूरे देश में दुनिया में एक मिसाल बन के उभरेगा। यहाँ कोई भी भूख से कम ये निश्चित रूप से दावे के साथ कहा जा सकता है नहीं मरेगा। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। लॉकडाउन खत्म होने को आया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।